भोलेनाथ की नगरी देव तालाब में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 80 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी के अमृत पर्व पर निकली तिरंगा यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष के साथ एसपी कलेक्टर सहित देश प्रेमी जनता रही मौजूद। भोलेनाथ की नगरी देव तालाब में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 80 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी के अमृत पर्व पर निकाली तिरंगा यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष के साथ एसपी कलेक्टर सहित देश प्रेमी जनता रही मौजूद। तिरंगा मय हुई भोलेनाथ की नगरी देवतालाब, भारत माता वंदे मातरम के उद्घोष से गूंजा आंचल। विधानसभा अध्यक्ष ने तिरंगा लहराकर किया यात्रा का शुभारंभ, निकाली रैली। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने तिरंगे की आन बान और शान बनाए रखने का दिलाया संकल्प, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, भोलेनाथ की नगरी से निकली पहली तिरंगा यात्रा इतनी सफल रही इसके लिए। साथ ही उन्होंने ईश्वर से मनोकामना की, दिन की बारिश तो नहीं हुई, शाम को जरूर बारिश होनी चाहिए। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शिवनगरी देवतालाब से हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा तिरंगा लहराकर किया गया। पूर्व निहित योजना अनुसार आयोजित तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में चार पहिया दो पहिया वाहनों के काफिले के साथ शिवनगरी से यात्रा प्रारंभ हुई, जो दोपहर के ठीक 12 बजे दिन तिरंगा यात्रा नई गढ़ी पहुंची, जहां हजारों की संख्या में मुख्य मार्ग के दोनों किनारे हाथ में तिरंगा लहराते हुए विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं आम नागरिकों जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ भारत माता वंदे मातरम का जय घोष करते हुए मां अष्टभुजा की नगरी नई गढ़ी में स्वागत किया गया। इस दौरान मां अष्टभुजा की नगरी नई गढ़ी राष्ट्रभक्त देश प्रेम से रंग में रंग गई। तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का अभिनंदन किया गया। वहीं विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया। इस 80 किलोमीटर यात्रा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के साथ कलेक्टर रिवा मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सहित विभागों के आला अधिकारी सहित देश प्रेमी नागरिक मौजूद रहे। यह तिरंगा यात्रा देव तालाब से आरंभ होकर नई गढ़ी मऊगंज पन्नी रतनगवा नई गढ़ी मोड़ सीतापुर तमरी डिगवार सुकुलगवा होते हुए वापस तिलौप तालाब पहुंची, जहां पर इसका समापन किया गया। जिन्हें पूरी मेहनत कम समय में पूरी मेहनत से लगन से उन्माद के साथ जोश के साथ पूरी यात्रा में शामिल हुए, और रीवा जिला की मैं कहना चाहता हूँ आपसे, रीवा जिला की देवतला विधानसभा क्षेत्र की पहली तिरंगा यात्रा है जो इतनी सफलतापूर्वक चली है। मैं अपने राजस्व के प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे कलेक्टर साहब को, पुलिस के अधिकारियों को, एसपी साहब को, हमारे थाने तमाम थाने के अधिकारियों को, प्रभारियों को, राजस्व के तमाम तहसीलदारों को, कानूनगो को, कलेक्टर साहब को, सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस यात्रा को उन्होंने सफल बनाया है। अब हम परसों 15 तारीख को 15 अगस्त का झंडा रोहण करेंगे। आपसे आग्रह है कि देवतला विधानसभा को एक अवसर मिला है जो कई वर्षों से प्रतीक्षित हुआ करता था। एक के आपके प्रतिनिधि को 15 अगस्त को रीवा में झंडा फहराने का अवसर मिलता है, उसको देखने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। वहाँ आइए 9 बजे शेफ ग्राउंड में, और वहाँ भी देखिए कि आपका प्रतिनिधि वहाँ पर झंडा फहरा रहा है। इसलिए आमंत्रण करते हुए 4 बजे से नगर पंचायत बंगाबा का शपथ ग्रहण हो रहा है, 4:30 बज गया है, उसके भी टाइम फिक्स होते, इसलिए हमको तत्काल निकलना है। आपको सबको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।